Jai Bhim friends, welcome to your own Ambedkarite YouTube channel, Janta, We the People. आज से हम लोग एक नई सीरीज़ अम्बेडकराइट टॉक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। इस किसके तहत पहला अपडेट ये है कि बहुजन समाज पार्टी और जनता दल सेक्युलर एक साथ कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे। अम्बेडकराइट मूवमेंट से निकली हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटका में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके तहत कर्नाटका के 224 सीटों में से 20 पर बसपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और ये गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। यह खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुसूचित जाति कर्नाटका में तकरीबन 16 से 18% है। कर्नाटका में 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और ये भी देखा गया है कि दलित तकरीबन 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं और एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेट में एजे सदाशिव इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर भी फिलहाल कुछ विचार मंथन चल रहा है। दूसरा अपडेट है नागपुर यूनिवर्सिटी के सेनेट के इलेक्शन के बारे में। इसमें पहली बार अम्बेडकराइट संगठनों द्वारा बनाए गए सेनेट परिवर्तन पैनल ने एंट्री की और अपनी एंट्री में ही इस परिवर्तन पैनल ने कई संगठनों का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। इसमें सेनेट परिवर्तन पैनल के दो उम्मीदवार शिलवंत मेश्राम और प्रशांत डेकाटे इन्हें विजय प्राप्त हुआ है, वह भी खुले प्रवाह से। इस संगठन ने जिस तरह से वोट प्राप्त किए हैं उसकी उम्मीद उनके प्रतिद्वंद्वी संगठनों को भी नहीं थी। यह एक बड़ा विजय है। परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार दो जगह पर भी जीते हैं मगर यह एक बड़ी जीत है क्योंकि किसी भी तरह का कोई सपोर्ट ना होते हुए सभी मिलकर अम्बेडकराइटवादी विचार के लोगों ने मिलकर जब लड़ाई लड़ी तो उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। यूथ द्वारा किया गया एक ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तीसरा अपडेट है बुद्ध फेस्टिवल के बारे में। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि बुद्ध महोत्सव 2018 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी को दीक्षाभूमि नागपुर यहाँ पर होने जा रहा है। कला, संस्कृति और समृद्ध परंपरा का अविस्मरणीय उत्सव के रूप में यह बुद्ध महोत्सव उभर रहा है। इसमें प्रमुखता से फिल्म फेस्टिवल, रत्नावली सीरीज और बुद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श और आदान प्रदान होगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये नई सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत।